जब तक प्राण का वास होता है शरीर में, तब तक शरीर पूजनीय होता है। जैसे ही प्राण का संधि शरीर के साथ खत्म हो जाता है, वैसे ही शरीर अशुभ हो जाता है, शव बन जाता है। फिर उसे हम अग्नि को समर्पित कर देते हैं। भगवान शिव शंभु कहते हैं, देवी जिन आवरण को आप बाहर से देख रहे हो वो सारे आवरण बाहर के हैं, लेकिन उस आवरण के अंदर जो तत्व, जो धारा निरंतर प्रवाहित होती है, वो धारा तो वो धारा है जो राम के नाम को संचालित करती है। मैं बाहर से अशुभ हूं, लेकिन हृदय में मेरे निरंतर राम ही राम चलते रहते हैं। हे देवी, उसी राम के कारण, उसी राम तत्व के कारण जो अमृत तत्व है, उस धारा के कारण, उस तत्व के कारण जो मेरी जड़ों में समाहित है, वृक्ष, बाहर का वृक्ष सुंदर हो सकता है, फलदार हो सकता है, बिना फल के भी हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उस बाहर के वृक्ष का सृजन करने वाला, उसे सिंचित करने वाला अगर कुछ होता है तो वो जड़े होती है जो अंदरूनी है, छिपी हुई है, अदृश्य है, धरती के नीचे समाई हुई है, दुनिया उसे देख नहीं पाती है, लेकिन उन्हीं जड़ों के कारण, उन्हीं जड़ों के कारण वृक्ष की जीवन धारा चलती है। और वृक्ष फल, फूल, पत्ते, टहनियां, शाखाएं दे पाता है। यानी जो जड़ों को पकड़ लेते हैं वो वृक्ष की चिंता करने की जरूरत उनको नहीं पड़ती। वही राम का तत्व मेरे अंदर है, मैंने भी अपने उस राम रूपी जड़ों को पकड़ रखा है, धारण कर रखा है। आज नतीजा उसी का है कि बाहर से अशुभ होने के बावजूद भी दुनिया में मैं पूजनीय हूं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शिव शंभु की जय, मां आद्य भगवती की जय। वही राम का तत्व है, हमें भी धारण करने की जरूरत है। उस राम के तत्व को अगर हम भी धारण करेंगे, जो अमृत तत्व है, निरंतर हमारे अंदर अगर वो प्रवाहित होता रहेगा, तो सिर्फ बाहर का आवरण नहीं, हमारा संसार भी शुभ हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। वही राम है जो जीवन के शुरुआत में और जीवन के अंत में साथ में रहता है और साथ में जाता है। वही एक तत्व है जिसे हमें धारण करने की जरूरत है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री राम की जय, भगवान शिव शंभु की जय हो। जय राम, कहने से तर जाएगा राम, कहने से तर जाएगा पार, भाव से उतर जाएगा राम, कहने से तर 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 जाएगा पार, भाव से उतर जाएगा पार, भाव से उतर जाएगा राम, कहने से तर जाएगा राम, कहने से तर जाएगा। बोलिए भगवान प्रभु श्री राम की जय हो, जन्मा माई की जय हो, हरि बोल। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला,
पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा।